लर्निंग जो है वो ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन का सबसे बड़ा फेज़ होता है. लिमिटेशंस नहीं है हमारे या हमारे खुद के बॉडी की, हम कितने चीज़ें कर सकते. सो ये बोलूँगा कि मैं जिस तरीके से अगर मैं करता हूँ तो मैं अपना एग्जांपल दूंगा. मैं हर चीज़ में सीखता हूँ. अगर मैं कुर्सी पर बैठा भी हूँ तो मैं कोशिश करूँगा कि इसमें भी कितने कंटिन्यूटी अपने बॉडी के साथ बना सकता हूँ. सो मैं यही बोलूँगा कि लर्निंग मतलब सीखते जाओ हर मोमेंट में. हर किसी को देख के सीखो, सामने वाले को देख के सीखो, अपने आप को देख के सीखो, अपने पास को देख के सीखो, वीडियोस देख के सीखो. डेफिनेटली गो फॉर कैंप्स, वहाँ से कुछ स्टडी करो, क्योंकि आपका माइंड को कुछ चीज़ें पता नहीं होती है और हमें लगता है कि हम में सब कुछ आता है, बट देन व्हेन वी रियलाइज़ कि यार ये मुझे चीज़ नहीं आई थी, देन वी गेट दैट इन टू आर बॉडी, देन वी कीप ऑन लर्निंग. सो लर्निंग एक कंटिन्यूटी है. जब तक तुम जी रहे हो, टिल द टाइम यू आर अलाइव, यू हैव टू लर्न. मतलब अगर सीखोगे नहीं तो बढ़ोगे नहीं. एंड तुम कितना भी कोशिश कर लो, दुनिया की हर चीज़ नहीं सीख पाते हो. सो इट्स दैट कि लर्निंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड लर्न फ्रॉम एवरी वेयर एंड ईच एंड एवरी पर्सन, जो तुमसे अच्छा भी है और जो तुमसे शायद अच्छा नहीं भी है, क्योंकि उसके पास भी ऐसे ऐसे कुछ चीज़ें होगी जो तुम्हें नहीं पता है. सो बी हम्बल, बी काइंड, एंड जहाँ सीखने मिलता है सीखो. मतलब ऐसा मत सोचो कि मैं ही बड़ा हूँ. डोंट एवर गेट दैट फीलिंग मेरे को सब कुछ आता है. ऑलवेज ट्राई टू लर्न. एंड अमित जो कर रहा है ये वर्कशॉप्स वगैरह यहाँ पे बिहार में लेके आ रहा है, इट्स डेफिनेटली अ गुड इनिशिएटिव, क्योंकि बिहार में इस टाइप की चीज़ें होती नहीं है. एंड देर इज़ समवन हु इज़ टेकिंग सच इनिशिएटिव एंड जो चाहता है कि डांसर्स की कम्युनिटी आगे बढ़े, यहाँ से बढ़े. एंड स्पेशली मैं यही बोलूँगा कि जो उन्होंने डिवीज़न भी रखा है, बिहार डिवीज़न इन इंडिया डांस लीग, वो बहुत ही अच्छा चीज़ है. यहाँ के कंटेस्टेंट्स को इतने अच्छे अच्छे डांसर्स के साथ कम्पीट करने मिल रहा है, सीखने मिल रहा है, सामने सामने देखने मिल रहा है. सो गुड वर्क टू अमित. बहुत अच्छा काम कर रहा है. एंड जस्ट ऑल द बेस्ट टू वॉट एवर यू आर डूइंग. थैंक यू.